जी, हमारे यहाँ दो नवरात्रि मुख्य है, एक शारदीय एक वासंतिक, और दोनों हमारे यहाँ वर्ष की गणना के लिए, कार्तिक में शारदीय वर्ष बोलते हैं और चैत्र में वासंतिक वर्ष बोलते हैं, वसंत ऋतु में शुरू होने वाला वर्ष। और देखिए, इस वर्ष के शुरू होने की एक महत्वपूर्ण घटना है, देश में कोई भी नया वर्ष किसी भी दिन शुरू होता है, किसी के साथ प्राकृतिक मिलन नहीं है। हमारे नए वर्ष के साथ प्रकृति कहती कि हमारा नया वर्ष आ रहा है, पहले दो तीन महीने पहले से पतझड़ शुरू हो जाती है, प्रकृति बताती कि कुछ बदलाव आ रहा है, ये प्रकृति बोलने लगती है और धीरे धीरे वो अंकुरित होते हैं, पुष्पित होते हैं, फलित होते हैं, और फलित होकर ऐसा लगता है कि सारा हमारा जो भूमंडल है प्रकृति ने नए वर्ष के लिए सजावट कर रखी है, और आगंतुकों का स्वागत के लिए वृक्ष जो है फल के साथ लद करके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, ऐसा लगता है। हमारे पक्षीगण भी जो है उस समय कोयल की कूक वगैरह सुनाई देती, वो भी कहती है कि भाई हम उत्सव मना रहे हैं, प्रकृति उस समय उत्सव मनाती है। यानी कोई भी वर्ष के साथ आप कहीं भी गणना करके देख लीजिए, कोई भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ कोई वर्ष नहीं है, जो हमारा चैत्र शुक्ल से वर्ष आरंभ होने वाला, प्रकृति बोलती पुकार पुकार करके नया वर्ष आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो ये और उस रोज नवरात्रि का आरंभ, शक्ति की उपासना हम लोग करते हैं, देवी की उपासना करते हैं राष्ट्र की कामना के लिए, और सारे लोग अपने में सशक्त बने रहें, सशक्त बनकर के सेवा करें, धार्मिक भावना को जागृत रखें और देवी की उपासना करके, और हमारे यहाँ जो प्रकृति स्वरूप में या हमारे महिलाएं जो देवी स्वरूप है उनकी रक्षा करें। हाँ, शनिवार है, रेवती नक्षत्र, रेवती बुध का नक्षत्र है, बुध जो है बुद्धि का देवता है, उसके नक्षत्र में आ रहा है, तो नवरात्रि बहुत शुभ है, सभी के लिए मंगल देने वाली है, और इस बार 8 दिन की होगी, रामनवमी और अष्टमी की और नवमी की पूजन शनिवार को हो जाएगी।